आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि सट्टे में पैसा कैसे कमाएं। सट्टा खेल कर नहीं दोस्तों, सट्टा खिला कर पैसा कमाएं। जुआ खिला कर पैसा कमाएं। खिलाने से आपको उस पर इनकम मिलती है, परसेंटेज मिलता है दोस्तों, और खेलने आपको चौनी नहीं मिलती सिवाय दिमाग ख़राब होने के। तो दोस्तों आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ जुए का पूरा प्रोसेस, मतलब सट्टा मटका सट्टा बाजार सबका प्रोसेस बता रहा हूँ आपको, कितने परसेंट मिलते हैं, कैसे मिलते हैं, किस तरीके से मिलती है। तो स्टार्ट कर, तो हम स्वागत करते हैं और हम आपको बताते हैं कि कैसे कैसे क्या करना पड़ता है और इसमें क्या कितनी कितनी परसेंटेज आती है। पहले तो आप जान लीजिए कि आप जैसे खेल जैसे आप जुआ खेलते होंगे, आपको पता है आप सट्टा लगाते हैं, सट्टा खेलते हैं, तो आपको पता है कि सट्टे में सट्टे कौन कौन से होते हैं। देखो पहले दोस्तों, पहले चलता आजकल कहीं अपनी अपनी स्टेटों में अलग अलग हिसाब किताब है इसमें, अपने स्टेटों में कहीं आज हमारी दिल्ली जाता हूँ, हमारी दिल्ली में चलता दिल्ली बाज़ार, ताज, गली, दिसावर, श्री गणेश, और बताइए एक और भी, मतलब हज़ारों है कुल मिला के दोस्तों। अपने स्टेटों में अपने अपने हर सिस्टम अलग अलग है, हर सट्टे की दुकान पर अलग सिस्टम चलता है, अपनी मर्जी के हिसाब से चलाता है और भी, ठीक है। मगर एक फेमस फेमस जो है वह है गली दिसावर, एक गली और एक दिसावर, ये बहुत फेमस गेम है, बहुत पुरानी गेम है दोस्तों, इसे लोग ज़्यादा लोग देखते हैं और खेलते भी हैं इसे। तो दोस्तों खिलाने मतलब खेलने का अनुभव तो मेरा ठीक नहीं रहा है, मगर खिलाने का अनुभव हमारा ठीक है। अगर आप सट्टा जुआ किसी को खिलाते हैं सट्टा, तो आपको सट्टे में ये समझ लो दोस्तों कमीशन मिलता है, कमीशन मिलता है दोस्तों। आप अपने घर बैठे बैठे सट्टा चला सकते हैं, सट्टे में आपको कमीशन मिलेगा करीबन 10% का दोस्तों, 10% आपको कंपनी कमीशन देगी, किसी का 10 है, किसी का 8 है, किसी का 7 है, किसी का 5 है, किसी का 6 है, ऐसे है, अपने अपने सिस्टम है। मिनिमम 7 तो है ही है, 7% आपको मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है दोस्तों। अब आप यूँ समझ लो, अगर आप सट्टा खेलते हो तो आपको क्या मिलता है, कुछ नहीं मिलता है, जब लगेगी तभी मिलेगा जो भी मिलेगा, ठीक है दोस्तों। और अगर सट्टा आप खिलाते हो तो आपको रोज़ मिलेगा पैसा, रोज़ मिलेगा दोस्तों, रोज़। अपने बढ़िया VIP कपड़े पहने, बन ढल के घूमो, तरीके से ज़िंदगी जियो, कोई टेंशन नहीं, मोबाइल में सारा काम करते रहो, मोबाइल आजकल मोबाइल में सब कुछ हो जाता है दोस्तों। और इसे कैसे खेलते हैं मैं बताऊँ, जैसे मान लो आप मेरे पास खेल रहे हो तो मेरा आपके पास नंबर होगा, आप मुझे नंबर मेरे नंबर पर मुझे अपना नंबर भेज दो कि आप कौन कौन सा खेलना चाहते हो उस नंबर, और जो टाइमिंग चल रही है जैसे गली की टाइमिंग चल रही है तो गली का नंबर भेज दो, गली में आप कौन कौन सा खेलना चाहते हो बस उसमें मुझे भेज दो, और बस। अगर आपने मान लो 1000 रुपये की गेम भेजी, ठीक है दोस्तों, 1000 रुपये का नंबर भेजा आपने मेरे को, 1000 रुपये पेमेंट कर दी व्हाट्सअप से मेरे नंबर पर, ठीक है दोस्तों। फिर आपको क्या करना है, कुछ आपका कुछ नहीं होगा, आप मैं मेरे पास खेल रहे हो आप, तो मेरे को सीधा सीधा आपके 1000 रुपये में 70 रुपये मिल जाएंगे। आपने 1000 रुपये खेली, आपके लगे ना लगे मेरी तरह बाहर में जाओ, वो ऐसा हो जाता है, हम क्या करें, हमारा टेंशन, हमारा तो परसेंटेज लेके चलना है, 7% सीधे 70 रुपये आते हैं, ठीक है दोस्तों। और आपको पता होगा सट्टे के काम, सट्टे की लाइन में दोस्तों बहुत तगड़ी सेल होती है, 70-70 हज़ार रुपये सेल हो जाती है, 1-1.5 लाख रुपये सेल हो जाती है इसकी, 1 लाख रुपये सेल है सर, कम से 10 हज़ार रुपये डेली की बचाता है, मरे से मरे। और आप लोग खेल खेल के नहीं कमा पाते, वो इतना ना वो बैठे बैठे कमा लेता दिमाग से बहुत ईजीली से कहते हैं। और तो ये है मेरी दोस्तों बातचीत, तो आप सट्टा खेले नहीं सट्टा खिलाएं, तो आपको रोज़ पैसे बचेंगे, जितने आपके सेल होगी कहीं 8% मिलता है, कहीं 7%, कहीं 10% ऐसे मिलता है, अलग अलग सिस्टम से होता है, ठीक है दोस्तों। अगर मान लो 10% लेके चलते हैं हम, 30 हज़ार रुपये की आपने सेल कर ली, 30 हज़ार रुपये का आपने जुआ खिलाया, आपने आगे भेज दिया नंबर, ठीक है दोस्तों, तो आपको सीधे सीधे 30 हज़ार के 3000 रुपये मिल जाएंगे 10% से, 3000 रुपये डेली के दोस्तों, कम नहीं होता, बहुत होता है 3000। अगर 3000 रुपये से आप मंथली जोड़ो तो 90 हज़ार रुपये महीना होता दोस्तों, सीधे सीधे 90 हज़ार रुपये, जिसमें तुम्हें कहते हैं अठन्नी नहीं लगानी जेब से, फ्री का बिजनेस है दोस्तों, फ्री का, आपको इसमें अठन्नी नहीं लगानी, फ्री में बिजनेस शुरू करो सट्टे का, क्यों देना कुछ है नहीं, लेना ही लेना है, जब लगी उसको दे देंगे, बाकी हमारा परसेंटेज तो बन ही रहा है।
इसमें क्या थोड़ी सी दर्दी होती है दोस्तों। तो दोस्तों आपको मैंने बता दिया कि इसमें देखो दोस्तों, इसमें कोई सी दर्दी नहीं, बस पल्लेदारी नहीं। आपको अगर ठीक लगता है तो आप करो, मैंने कोई परेशानी नहीं। आपको ठंडी जेब से लगानी नहीं है, बस आप एक बीच का ध्यान रखो, सट्टा खेलना नहीं है आपको, सट्टा खिलाना है आपको। अगर आप सट्टा खिलाओगे तो बेनिफिट में रहोगे दोस्तों, अगर सट्टा खिलाने की जगह खेलने लग गए तो दोस्तों सर पे जो छत होती ना वो भी नहीं पता चलेगी किधर गई और कब गई। ये सट्टे का रूल पहला। जैसे दोस्तों मैं नॉर्मल से बताता हूँ, जो मेरे भाई दारू वगैरह बेचते हैं, दारू का काम करते हैं, वो दोस्तों देखना दारू नहीं पीते थे, नहीं वो पिलाने में विश्वास रखते, वो पता है जाहिर है, कोई नाम नहीं मिलना इसमें। ऐसे ही एग्जाम्पल है ये, दारू पिलाओ पियो मत, सट्टा खिलाओ खेलो मत, बस यही ज़िंदगी है। जब तक तुम चले रहोगे ना तुम्हारे ढोल बिक जाएंगे, पता नहीं चलेगा किधर गए। ठीक है दोस्तों, आराम से मैंने आपको बता दी, सट्टा खिलाने में फ़ायदा है खेलने में नहीं। और दोस्तों खेलने में भी फ़ायदा है, मगर लोगों को नंबर समझ में आने चाहिए उसके, कि नंबर कैसे चल रहे हैं। ऐसे भी लॉजिक होता है दोस्तों, दिमाग लगाना पड़ता है, ऐसे नहीं पैसा कोई आपके जिम में डालाता है, मेहनत करनी पड़ती है। आज सुबह शाम तक जाओगे गधों की तरह काम करो तब 300 मिलते हैं, ठीक है। तो ऐसे 300 वाला दिमाग भी लगाना पड़ता है उसके अंदर, तब मिलते पैसे, ऐसे नहीं मिलते। मैं ये नहीं कहता दुनिया पागल है तो खेल रही है भाई, उन्हें कुछ फ़ायदा तभी खेल लिया, किसी को पाल कुत्ते ने नहीं काटा, ये खाली पीली बहन से पैसे में आग लगाएगा। लोगों को कुछ को मिलता ही होगा तभी तो खेलते हैं। ठीक है दोस्तों, अब चलो हम चलते हैं अपने आपके चिड़िया कबूतर पे, ठीक है, जिसमें 10 के आपको 100 रुपये मिलते लगने पे, ठीक है। अब आप बोलोगे 100 तो मिलता ही, सबको पता है, आप बताओ ना कमाई क्या होती है इसके अंदर। मैं कमाई बताता हूँ आपको दोस्तों, कमाई क्या होती है। कमाई बिल्कुल सिंपल सी है दोस्तों, चिड़िया कबूतर खेल रहे हैं, मान लो खेलने वाले 10 बंदे ले लो, 10 बंदे से थोड़े ज़्यादा होते हैं, 10 तो कभी नहीं होते, ठीक है दोस्तों, 10 बंदे होते हैं, 20 मान लो, 30 मान लो, आराम से होते इतने बंदे, जब भी वो चालू करते हैं ऐसे चालू नहीं करते, 10 घर होते हैं चिड़िया कबूतर में, ठीक है दोस्तों, 10 घर होते हैं। फिर क्या होता है उसमें, खोलने वाला बंदा होता है मालिक एक, ठीक है, वो सब वो बंदे अपने आप घरों में पैसा लगाएंगे चिड़िया कबूतर में। ठीक, बहुत बड़ा चांट होता है उससे चिड़िया कबूतर का, जैसे हमारा वो नहीं आता ए फॉर एप्पल बी फॉर बॉल, ऐसे का ऐसे में का चांट आता है, ठीक है। और उसमें पर्ची खुलती है, जिसकी पर्ची खुल गई उसको पैसा 10 का 100 मिलेगा, ठीक है दोस्तों। तो उसमें क्या दिमाग लगाने वाली बात, देखो लॉजिक वाली बात आपको जो समझ में आज तक किसी ने बताया नहीं होगी, मैं बता रहा हूँ आपको आज फ्री में। देखो दोस्तों उसमें क्या होता है, बिल्कुल ईजिली मेथड है। अगर 10 रुपये का भाव आप 100 दे रहे हो, ठीक है, और आपके बंदे कितने खेल रहे हैं, 20 बंदे खेल रहे हैं आपके साथ, ठीक है, दिमाग लेना दोस्तों, वो आड़े टेढ़े रखेंगे, कहीं भी रखें कैसे भी रखें, नुकसान को कभी नहीं हो सकता उसके अंदर। अगर एक बंदे का लगा 10 रुपये का, 10 बंदे आपके खेले तो 100 रुपये तो आपके आए ही जेब में, आप 100 उसको पकड़ा दो, और साला किसी का ही लगा तो 100 अपने जेब में पूरे। तो लोग दोस्तों अपने अपनी मर्जी से ही रखते हैं पैसा, और लगता कितने का, एक ही बंदे का तो लगता है, बाकी का तो काम हो जाता है, बाकी का पैसा तो जेब में उसको मिला के उसी को पकड़ा दो, पकड़ भाई ले भाई तू पकड़, काम खत्म, क्या दिक्कत है। और जो तुम्हारे पास चलो अपने जेब में डालो, बस बस दोस्तों कोई कमीशन नहीं मिलता, मगर इसमें कमाई भी है हिसाब से, सिरदर्दी भी हिसाब से, कुल मिलाकर दोस्तों ये चीज़ बढ़िया है, खिलाने में फ़ायदा है खेलने से ज़्यादा। अरे भाई चिड़िया कबूतर में तो भाई कई लोग चिड़िया कबूतर में भी पैसा निकाल ले जाते हैं, कस्टमर भी ले जाते हैं, मेरे सामने कई बंदे ऐसे हैं जान पहचान के, वो मैं जाते हैं 10 रुपये लेकर, साले 1000 रुपये लेकर आए थे। अब भाई टेक्निक है, जैसे कहते हैं हर चीज़ की एक कला होती है, और वो कला उसी को पता होती है जो वो काम करता है, हर किसी को नहीं पता, हर किसी का तो चूतिया कट जाता भाई साहब, अच्छा यही है। अब मैं ही हूँ जो मैं काम करता हूँ, मुझे इसके अलावा कोई और काम पकड़ा दो तुम तो मैं तो बेकार हूँ ना, वहाँ मैं तो हेल्पर ही लाइक हूँ, मुझे कुछ पता ही नहीं कि क्या हो रहा करना क्या है, ये नहीं पता। और जो भैया पहले से लगा पड़ा है उसे पता है, तुम मुझे पूछो मत, वो तुम्हें करके दिखाएगा कि करना क्या है, और करके भी दिखाएगा। तो ऐसे मेरे भाई हो, यही है सट्टे जुए का पूरा प्रोसेस, सट्टे जुए में कमाई है, अच्छी कमाई है। इसलिए मेरे भाई तुमने कभी भी देखो 2 नंबर का बंदा जो 2 नंबर काम करता हो वो कभी 1 नंबर में जिएगा नहीं ज़िंदगी, क्योंकि उससे आदत पड़ जाती है दोस्तों, एक फिक्स आदत पड़ जाती है, कैसा भी रहेगा मगर वहीं वहीं रहेगा। आप उसे कितना ही समझाना उसको समझ नहीं आएगी, क्योंकि उसे आराम लग चुका दोस्तों, आपने मेहनत करी है, आपको मेहनत की पता है, तो आप मेहनत में लगे रहोगे, क्योंकि तो आपकी थिंकिंग वैसी हो जाएगी। और भाई हराम की खा रहा है
या जुए का काम कर रहा है तो आराम का काम करेगा, वो मेहनत नहीं कर सकता, उसकी आदत हो चुकी है एक, तो उसे उतना पैसा बिना मेहनत करे मिला तो क्यों करे मेहनत। सीधी सी बात समझ लो यार, अगर मैं तुम्हें फ्री में पैसा दे जाता तो तुम क्यों जाओगे कमाने के लिए? वही दोस्तों क्या हिसाब होता है, माइंड लगाते हैं ये लोग, माइंड जो बिजनेस करने वाले लोग होते हैं ना वो दोस्तों माइंड लगाते हैं, मेन मुद्दा होता है माइंड। और जो मेहनत वाला आदमी था वो हाथ कर बॉडी से काम करता, माइंड से काम नहीं करता। अगर माइंड से काम करता तो मजदूर ही नहीं बचेगा, वो मालिक बन जाएगा जिस दिन माइंड से वर्क करेगा। तो दोस्तों बाकी सट्टे के बारे में या और भी चीज़ें हैं जुए की लाइन में, उनके बारे में आपको मैं बाद में बताऊँगा, ये बात सस्पेंस में छोड़ दो। अगली वीडियो में आपको मैं शेयर करूँगा आगे के खुले हुए पत्ते। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। फ्री का बिजनेस, दो फ्री का बिजनेस है दोस्तों, कोई भी कर सकता है, अठन नहीं लगनी। और धंधों में तो 150-200 हज़ार लगते भी हैं, इसमें अठन नहीं लगती तुम्हारी दोस्तों, फ्री का बिजनेस है। हाँ, और अगर मेरा भाई कोई जो सट्टा जुआ खेलना चाहता है तो उसको मैं एक नंबर, इसमें एक स्क्रीन में एक नंबर छोड़ जाऊँगा कमेंट में, उस पर बंदा वो बात करके खेल सकता है नंबर, कोई भी नंबर वो खेले, कैसे भी खेले, यहाँ सारे नंबर चलते हैं, मेरे जान पहचान के बंदे उनके नंबर डाल दूँगा, तो आप उसको सर्च कर लो, मेरे कमेंट बॉक्स में जाओ, या तो मैं स्क्रीन में छोड़ूंगा तो कमेंट बॉक्स में छोड़ दूँ, इसमें आप जाओ, आप उससे पूछो, बस पूछ के खिला लो, खेल लो, आपको समझ में आया तो खेलो ना, कोई बात नहीं। इतना है कि इसमें जो बंदे होते हैं भले ही काम दो नंबर का है दोस्तों, बस में ईमानदारी एक नंबर की होती है, इसमें आपकी पेमेंट नहीं रोकेगा कोई, क्यों उसे पता है मैं इसकी आपकी पेमेंट, भले वो तुम्हें जानता ना मैं तुम्हें जानता नहीं, मगर वो तुम्हारी पेमेंट कभी नहीं रोकेगा, क्यों उसे पता है मैं पेमेंट रोक लेता मेरा कस्टमर मर जाएगा, फ़ायदा क्या है। इसलिए दो नंबर का काम में ईमानदारी बहुत होती है दोस्तों, दो नंबर का काम एक नंबर की ईमानदारी होती है तब वो बिजनेस चलता है, वरना ऐसा कोई नहीं खेलता, पागल नहीं है कोई, ना तुम मैं जानता ना मैं तुम्हें जानता, तुम मेरे को पैसे देके चले जाओगे व्हाट्सअप पे कर दोगे, क्यों कर दोगे। तो ये है दोस्तों, दो नंबर काम है एक नंबर की ईमानदारी होती है, जो किसी बिजनेस में नहीं होती। तो ठीक है दोस्तों, तो वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तो अरे दोस्तों, मैं अब बताने जा रहा हूँ आपको आपको बिजनेस कैसे करना है, और आपको किससे बात करनी है बिजनेस को चालू करने के लिए, किस तरीके किस किस चीज़ में इसमें जरूरत पड़ती है, मतलब वैसे जरूरत तो पड़ती है दोस्तों, मगर फिर भी जिस चीज़ की जरूरत पड़ती है वो मैं आपको बता रहा हूँ बड़े आसानी से, कोई दिक्कत नहीं आएगी दोस्तों आपके इस बिज़नेस को करने में, बस कुछ कुछ टर्म्स कंडीशन होती है उन्हें फॉलो करना पड़ता है दोस्तों बस। और मैं इसमें इस नेक्स्ट वीडियो में, मुझे इस वीडियो में तो दोस्तों 500 सब्सक्राइबर चाहिए कम से कम, फिर मैं आपको नंबर दूंगा इसमें, और ये बिजनेस कैसे करते हैं, बस के मालिक से, कंपनी के मालिक से सबकी डिटेल दूंगा, सब डायरेक्ट आपसे बात कराऊंगा और आपका काम चालू करवाऊंगा दोस्तों। ओके सर, थैंक यू।